हेलो अच्छू, गुड मॉर्निंग। आज अच्छू अपन पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पौधों में किस तरीके से पोषण होता है, ठीक है, यानी पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो अपना भोजन किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन को समझने के लिए हम समझते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स समझेंगे, उसके बाद न्यूट्रिशन समझेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जानना, ठीक है बच्चों। न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन से पहले जरा ये देखें, ठीक है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में जो फूड है वो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी होता है जीने के लिए, ठीक है। फ्रूट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके लिए जरूरी होता है। फ्रूट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट्स फूड में रहते हैं और ये हमारी बॉडी में जाते हैं और इससे हमारी बॉडी अच्छी तरीके से वर्क करती है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, जितने भी आपके ये कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, यही न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स तो समझ में आ गया कि जितने भी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन होते हैं उनको हमने न्यूट्रिएंट्स बोल दिया कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन ये चीजें नहीं करते हैं। एनिमल्स, ह्यूमन, ठीक है, ये सारी चीजें अपना भोजन हम खुद नहीं बनाते हैं, मतलब खुद अपने डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, हमें दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है भोजन के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग भोजन के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशन को जरा समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, ठीक है। दिया है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक फूड का ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो भी चीजें खाते हैं उसके द्वारा जो भी खा रहे हैं उसको किस तरीके से अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी के द्वारा जो भी उन्होंने लिया है, खाने के रूप में लिया है, वो बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन हो रहा है उनका या नहीं हो रहा है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया, अब हमारी बॉडी ने उस खाने को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, तो यानी कि हमने अपना न्यूट्रिशन कर लिया, क्लियर, समझ गए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो सकती है, वो हम आपको बाद में नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, देन आप उसमें से नोट कर लेंगे, ये अच्छी से सुन, ठीक है। ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका टू टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जानते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो ये तो एक न्यूट्रिशन का टाइप है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। यानी कि ऑटो का मतलब होता है खुद, स्वयं से, लिखा है ना, सेल्फ क्रॉप्स, ठीक है, यानी नॉरिशमेंट, यानी कि अपना खाना जो भी प्लांट खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और इस तरीके से वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक जस्ट इसका अपोजिट, एनिमल्स और जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड बनाने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्लांट पर निर्भर होते हैं सारे लोग, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉप, और वो लोग जो न्यूट्रिशन करते हैं उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट में जब अनाज उगेगा तभी तो हम लोग खाते हैं, तो हम लोग किस पर डिपेंड है, प्लांट, ठीक है। तो हम लोगों में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। सारे प्लांटों में कौन सा न्यूट्रिशन होता है,
और फिर ट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब ऐसे एक आध दो प्लांट्स भी आते हैं जिनमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, उन प्लांट्स के बारे में हम आपको बताएंगे जैसे आगे आगे चलते हैं। अब इसमें एक प्रोसेस ये फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने सिक्स क्लास में पढ़ी होगी, प्रीवियस क्लास में सुना होगा उसके बारे में कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन सी होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। क्या होती है जरा सुने अच्छे तरीके से, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गई, क्या होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और किसकी मदद से बनाते हैं, क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाते हैं और वाटर की मदद से, इन तीनों की मदद से बनाते हैं अपना भोजन। इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, इस चीज़ को जरा समझते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है इसको जरा समझते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं ना उनमें जो लीफ का कलर ग्रीन होता है वो किसकी मदद से होता है, पिगमेंट की मदद से होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। देखो उसमें लिखा हुआ है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो आप लोगों को समझ में आ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और क्लोरोफिल, इन सब की मदद से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है। देखो फोटोसिंथेसिस को हमने तोड़ दिया वर्ड को, तो हम फोटोसिंथेसिस का वर्ड में होता है फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस माने कंबाइन, मतलब लाइट की मदद से भी हम खाना बनाते हैं, यानी सन की लाइट का यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज यूज हो रही है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, ठीक है, तो याद रखना कि जो भी हमारे प्लांट की लीव्स होती है ना, लीव पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक से उनमें होल रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है, स्मॉल पोर्स रहते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको लीव्स के ऊपर वो नजर आते हैं, ठीक है, और इन्हीं पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। क्या कहते हैं इन पोर्स को, स्टोमेटा, ठीक है बच्चों। ये एक दिया है आपको, सेल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कुछ ध्यान देना, जिस तरीके से हमारा जो सेल है किसी भी लिविंग बॉडी, कोई भी जो लिविंग बॉडी होती है ना, देखो दो तरीके की बॉडी होती है, एक लिविंग बॉडी और एक नॉन लिविंग बॉडी, ठीक है। लिविंग बॉडी जो होती है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं। ये हमारी सेल का स्ट्रक्चर ही बताया गया है ना, हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों सेल होती हैं, ठीक है। अब ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर बताया गया है कि इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेल लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड रहता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सेल के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, इसका आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर है सेल के बारे में, तो तब जानेंगे सेल के बारे में, ठीक है। हाँ, तो हमने बेटा स्टोमेटा जान लिया कि जो स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, ठीक है, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। क्लोरोफिल के प्रोसेस हमने बता दिया आपको, देखो इसमें ये चीज लिखी हुई है, अच्छी लिखी हुई है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सन है ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके लिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी उन सबके लिए सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। सारी एनर्जी हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उनको सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, ठीक है। और बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। ये बेटा फोटोसिंथेसिस का हमारा एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, दिखाना स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। देखो इसमें क्या क्या है, सन से हमें लाइट एनर्जी मिल रही है, लीफ से हमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वाटर मिनरल्स हमें सॉइल से मिल रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन होती है, ठीक है, वो रिएक्शन ये दी है हमें कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस पर रिएक्शन कराई तो हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें अच्छी तरीके से।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है. याद रखना ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान. ठीक है, जो प्लांट होता है वो सिंपल केमिकल सब्सटेंस फॉर्म जो क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी कि जो क्लोरोफिल और सनलाइट है वो बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है. द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो द स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. जो स्टार्च होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का सेल होता है. अब देखिए ये लीव्स का कुछ स्ट्रक्चर एक थोड़ा छोटा सा बताया गया है कि आपको इस तरीके से जो लीव्स होती है वो दिखाई दी है. इसमें क्या है, ये स्टोमेटा बताया गया है, गार्ड सेल्स बताई गई हैं हमें. ठीक है, ये आपको एरो दिख रहा होगा इसमें, ये आपके गार्ड सेल्स बताई गई हैं और ये स्टोमेटा है. ठीक है, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये आपका पूरा क्लोरोफिल पिगमेंट है और ये लीव का जो गार्ड सेल्स था उन्होंने जूम करके दिखाया था इस तरीके से रहता है. देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह. ये एक एक्टिविटी दी है, जरा इस एक्टिविटी को हम आपको समझा देते हैं. क्या ये एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 1.1 क्या है, टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड. हमने दो प्लांट लिए, दोनों एक ही तरीके के, कीप वन इन द डार्क और ब्लैक ऑक्स फॉर 7 डे एंड द अदर इन द सनलाइट. हमने दो पौधे लिए, एक को हमने बिल्कुल अंधेरी जगह पर रख दिया 72 आवर्स के लिए, बिल्कुल अंधेरे में रख दिया, काले डिब्बे में ब्लैक बॉक्स में से रख दिया प्लांट को. ठीक है, और दूसरी को हमने सनलाइट में रख दिया. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट. उसके बाद हमने क्या किया, 72 हर्ट्ज के बाद क्या किया, दोनों पर आयोडीन का टेस्ट किया. ठीक है, आयोडीन जो सॉल्यूशन है उसका टेस्ट किया दोनों लीव्स पर बोथ द प्लांट. एज यू डिड इन क्लास 6 में आप लोगों ने किया होगा, रिकॉर्ड योर रिजल्ट और अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करिए. आप लोग क्या देखते हैं, नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ड इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज एंड परफॉर्म द जॉइंट टेस्ट अगेन. उसके बाद जो भी आपने जो डार्क रूम में रखा था उसे बाहर निकालिए और फिर सन डेज में उसे रखिए 3-4. उसके बाद दोबारा से टेस्ट करिए, फिर आप लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, ये दोनों आपको ऑब्जर्वेशन करनी है. तीनों द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल. ठीक है, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल. यानी कि जो लीव्स ग्रीन के अलावा भी होगा उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. क्या होगा कि हमें रेड भी कलर, ब्राउन कलर और भी अदर पिगमेंट देखने को मिलेंगे. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इन लीव्स पर होगी. इसमें कुछ दिया है लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स. इसमें तो आपको सारी लीव्स आप ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई होंगे. ठीक है, आपके पास बुक होगी उसमें आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से. ये आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो वाटर होता है, अगर वाटर को एक जगह हम अकेला ऐसा भरा हुआ रख दें उसे फिल करेंगे तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की ना, जिसे आप लोग बोलते हैं काई बोला जाता है ऐसे. ठीक है, वो जम जाती है पानी के ऊपर. ठीक है, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेन्स कॉल्ड एल्गे. उसको एल्गे बोलते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेन्स के कारण ऐसा हो जाता है. ठीक है, कैन यू गैस बाय लार्ज बाय एल्गे आर ग्रीन इन कलर. क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो ग्रीन होती है कलर में, दे कंटेन क्लोरोफिल. ठीक है, उनमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, इसलिए वो हमें ग्रीन कलर की लगती है. ठीक है, एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. एल्गे में जो होता है वो भी अपने खाना जो है वो खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक है, अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. प्लांट को ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या क्या रहता है. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट. अभी तक आपने जाना है कि प्लांट सिंथेसिस करते हैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किसके बनते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मिलकर बनते हैं. दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड. ये क्या है, प्लांट होते हैं ये अदर फूड के अदर कंपोनेंट को भी सिंथेसाइज करते हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन जो प्रोटीन होता है उसमें हमारा नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है हमारा. ठीक है बच्चों, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन.
हैं, ये बताइए कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ से वो लोग नाइट्रोजन लेते हैं जो भी प्लांट करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हमें ये पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे एयर में प्रेजेंट रहता है गैस के फॉर्म में। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन प्लांट इस गैस फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना, प्लांट गैस फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और देते क्या ऑक्सीजन। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसे नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू सॉइल। क्या होता है जो सॉइल होती है वो इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है बैक्टीरिया के फॉर्म में, ठीक है, और एक प्रोसेस होती है नाइट्रोफिकेशन, ठीक है। उस प्रोसेस से सॉइल में नाइट्रोजन की प्रेजेंस हो जाती है और देन सॉइल के थ्रू रूट के थ्रू नाइट्रोजन जो है वो प्लांट में पहुंच जाती है। दीस सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर। जब भी प्लांट में पानी देते हैं तो रूट्स के थ्रू नाइट्रोजन भी प्लांट के अंदर पहुंच जाती है। क्लियर है, समझ में आया प्लांट में नाइट्रोजन कैसे पहुंचती है, कि जो जो भी आपकी एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है वो सॉइल में पहुंच जाती है और सॉइल से फिर एक प्रोसेस होती है नाइट्रोफिकेशन की, जिससे रूट में आराम से पहुंच जाती है आपकी नाइट्रोजन, ठीक, किसी भी प्लांट। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर। आपने देखा होगा कुछ फार्मर्स होते हैं जो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं प्लांट्स को अच्छे खेती वगैरह करने के लिए, ठीक है। उनमें क्या होता है, रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, वो क्या फर्टिलाइजर जो होते हैं ना उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंस होता है, ठीक है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। इस तरीके से जो प्लांट्स को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं नाइट्रोजन के अलावा सॉइल। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज अ प्रोटीन एंड फैट। प्लांट भी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी बहुत सारे फूड को सिंथेसाइज कर देते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जानते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताया था हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताया था कि कुछ ऐसे ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग बींग्स जो सर्वाइव करने के लिए, जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स कहते हैं, और उनमें जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इनमें कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, ये सारे क्या हैं, हेटरोट्रॉपिक है। लेकिन हमने आपको प्लांट्स की बात की है क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट्स न्यूट्रिशन प्लांट्स, ठीक है, तो हम प्लांट्स की बात करेंगे। तो कुछ ऐसे एक दो प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, याद रखना, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे एक आध दो प्लांट्स का नाम बताते हैं आपको, एक नाम हो गया कसकटा, ठीक है, कसकटा, जैसा कि आपको ये जो एरो है उसमें दिख रहा होगा, कसकटा बोलते हैं इसे, ठीक है, दिया हुआ है कसकटा, कसकटा को हम हिंदी में अमरबेल बोलते हैं, ठीक है। और एक और रहता है जिसे हम बोलते हैं पिचर प्लांट, ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं कसकटा क्या होती है, पहले इसको देखते हैं। ये आपकी बुक में कलरफुल डायग्राम होता है, ये क्या होती है, इसको एक अमरबेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अमरबेल। ये बेल कभी खत्म नहीं होती, ठीक है, पतली पतली सी बेल की टाइप में रहती है, धागे टाइप की, ग्रीन कलर की। अगर ये किसी प्लांट के ऊपर हमने डाल दिया अमरबेल को, तो उस प्लांट को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, ठीक है, उसके बाद ही ये उस प्लांट को छोड़ती है, समझ रहे हो, ये कभी भी खत्म नहीं होती क्योंकि इसका नाम ही अमरबेल। तो ये क्या है, अपना भोजन के लिए किस पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। जब इसको प्लांट मिलेगा तभी तो ये बढ़ पाएगी, तभी तो प्लांट को खत्म कर पाएगी, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है कसकटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट, इसमें पूरे प्लांट को होस्ट कर रहा है, अपने कब्जे में कर रहा है, ये जो करके रखा हुआ है, ठीक है। ऑन विच इट्स क्लाइमिंग, ये लगातार चढ़ती रहती है, द प्लांट विच इज क्लाइमिंग इज कॉल्ड होस्ट। जो भी चीज प्लांट पर चढ़ती है उसे होस्ट कहते हैं, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो ये एक तरीके से हम इसे पैरासाइट भी कह सकते हैं। अब दूसरा जो था हमने बताया था आपको वो क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ इंसेक्टिवोरस भी प्लांट होते हैं, जैसे अभी अभी हमने आपको नाम दिया था एक पिचर प्लांट, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीट बच्छी पौधे जो कि कीड़े मकौड़ों को खाते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया था, नाम बताया था पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर प्लांट आपका क्या है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, इतना ज़्यादा सुंदर होता है ये पिचर प्लांट के, जैसे ही कोई भी छोटा सा इंसेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मधुमक्खी हो गई या छोटी सी कोई मक्खी हो गई, इंसेक्ट वगैरह, वो इस प्लांट को देखते हैं ना, ये इतना सुंदर होता है कि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं,
ठीक है, और जैसे इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके आप ऊपर आके बैठते हैं, तो इसका ऊपर ये जो ढक्कन दिख रहा है आपको, ये जो ढक्कन दिख रहा है लिड बोला गया है जैसे, ठीक है, ये ओपन हो जाता है और जो भी इंसेक्ट है वो इसके अंदर चला जाता है, और जब इंसेक्ट इसके अंदर गिर जाता है तो ये लिड जो है वो फिर से क्लोज हो जाता है। जैसे ये क्लोज होता है फिर इसके अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है, ये सब बढ़िया जूस वूस निकाल लेता है उस इंसेक्ट का, उसे पूरा निचोड़ देता है, और देन उसके बाद फिर इसका ढक्कन खुल जाता है, लिड ओपन हो जाता है और वो इंसेक्ट को बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ये भी पिचर प्लांट है, यानी कि कीटों को खाने वाला पौधा है, इसलिए कीट बच्ची पौधा कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया, पिचर प्लांट। ये एक आध दो ऐसे प्लांट हैं जो जिनमें क्या है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड है, ये किस पर डिपेंड है, छोटे छोटे इंसेक्ट पर डिपेंड होता है, ये इतना सुंदर होता है कि छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं वो इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसके पास में आते हैं, जैसे ही पास आ जाते हैं सीजन को निपटा देता है, खत्म कर देता है। तो ये था आपका पिचर प्लांट, राइट। अब बढ़ते हैं जरा आने की तरफ, सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं जरा इसको जानते हैं, ठीक है। मशरूम वगैरह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उनके बारे में जानेंगे, सेप्टोट्रॉप्स के बारे में जानते हैं जरा क्या होते हैं, ठीक है। तो सेप्टोट्रॉप्स क्या है, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सॉलिड इन द सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, आपने देखा होगा क्योंकि वो जब भी कभी सब्जी लेने जाते हैं किसी किसी सब्जी वाले के पास मशरूम रखे रहते हैं पैकेट में पैक हुए, ठीक है। यू मे हैव आल्सो सीन फुल्ली अम्ब्रेला लाइक पॉड्स ग्रोइंग ऑन रोटेटिंग वुड, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से छाता होता है ना, मतलब मशरूम आपने देखा होगा ऊपर एक छत सी रहती है, नीचे चढ़की सी डंडी रहती है, ठीक है, मशरूम और नीचे एक छोटी सी डंडी टाइप की रहती है, ठीक है, और ये रेनी सीजन में आपको मिलती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव, अब इनमें किस तरीके से किस तरीके का न्यूट्रिएंट्स होता है जीने के लिए, ठीक है, और ये कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, अब अपने नोटबुक में आप ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने ब्रेड देख लो कि ब्रेड में ईस्ट रहता है बेटा, इसलिए वो आसानी से टूट जाती है, करते हैं उसका, मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, जब भी आप ब्रेड को तोड़ते हैं तो उनमें पतले पतले से धागे कॉटन लाइक थ्रेड निकलते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, ब्रेड को कभी तोड़ के देखते हैं। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड फंगाई बोल दो या फिर इसे फंगी बोल दो, जैसा भी आपको सुंदर लगे, ठीक है, इन ऑर्गन्स को अपन फंगाई कहते हैं, ये जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें एक अलग ही तरीके का न्यूट्रिशन होता है, दे सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकिंग मैटर, क्या काम करते हैं, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकिंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन, ये क्या काम करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं, जो भी चीजें बिल्कुल डेड हो चुकी हैं उन पर, और उसे एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और उसके बाद ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गन टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसी टाइप के न्यूट्रिशन को जो भी हमारा ऑर्गन जो भी ऑर्गन ले रहे हैं इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स वो सॉल्यूशन से, और वो सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिला है, डेड एंड डिकिंग से मिला है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्लियर है। प्लांट्स विच यूज सेप्टोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप, और जो भी प्लांट सेप्टोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन यूज करते हैं उनको हम प्लांट्स को कहते हैं सेप्टोट्रॉप, ठीक है। सिंपल से फिर से समझो, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये जो भी चीजें मर गई हैं, मतलब डेड डिकिंग हो गई हैं, जो भी मैटर है वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो न्यूट्रिशन होता है उसे सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं उनसे, और जो भी एनिमल इस प्लांट सॉरी जो भी प्लांट इस न्यूट्रिशन के होते हैं उन्हें सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं, क्लियर। फंगाई आल्सो ग्रो इन पिकल्स, जो फंगाई आपने देखा हो कभी कभार अचार वगैरह में, जो घर पे हम अचार होता है, ठीक है, लेदर के जो कपड़े वगैरह होते हैं, बैग चमड़े का, ठीक है, और जो भी अदर आर्टिकल्स होते हैं, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में अगर लंबे समय तक हम रखे रहे हैं तो इनमें एक ऊपर से फंगाई जम जाती है, जैसे फंगस बोलते हैं, ठीक है, वाइट वाइट कलर का अचार खराब हो जाता है, वो ही होती है बेटा फंगाई, और कुछ नहीं। एक्चुअली मेरी एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉश विद वाटर, एक ब्रेड को लो उसे मॉश करो वाटर के साथ, लीव इट इन अ मॉश वन प्लेस टू टू थ्री डेज और एंटिल फुली पैचेज, फिर हम दो से तीन दिन के लिए उसे रख लो ऐसी गर्म जगह में मोस्ट फाइन प्लेस पे,
These patches may be white, green, brown of any color. तो सामने देखोगे इसके ऊपर के white, green, brown और green color के ऊपर आपको layers दिख जाएंगे. Observe the patches under a microscope. और इन patches को आप लोग microscope से देख सकते हैं और एक magnifying glass से देख सकते हैं. तो बच्चों ये जो था हमारा चैप्टर चल रहा है एनिमल एंड प्लांट्स. अब जरा ये देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिटेन्ड इन द सॉइल प्लांट्स इन द सॉइल. किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से हम लोग प्लांट्स कर सकते हैं. ये जरा देखते हैं पहले जरा इस During the rainy season, they spoil many things. Ask your parent about the menace of fungi in your house. मैंने कि अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं आप fungi के बारे में. The fungal spores are generally present in the air. जो fungal spores होते हैं वो आपको हवा में present रहते हैं. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. जैसे ये किसी गीली और warm जगह पर गिरते हैं, पहुंचते हैं, तो ये धीरे-धीरे करके ग्रो होने लगते हैं, धीरे धीरे करके ये बड़े होने लगते हैं, फैलने लगते हैं. ठीक है. नाउ कैन यू फिगर आउट वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. तो हम अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं. किस तरीके से बचा सकते हैं देखते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर. दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इस इशू क्या कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. क्योंकि वो साथ में रह रहे हैं, साथ में शेयर कर रहे हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को, साथ में अपना रहना वाना उसको साथ में शेयर कर रहे हैं. तो हमने नाम दिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री. कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जो रूट्स में रहते हैं. द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस इन द रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ठीक है. द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस. तो जो ट्री होता है ना वो प्रोवाइड करा रहा है न्यूट्रिएंट्स फंगस को और रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. और उसके बदले में क्या ले रहा है फंगस से कि जो भी सॉइल में वाटर प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो उससे ले रहा है. दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री. ये जो एसोसिएशन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्री के लिए. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस. ऑर्गेनिज्म होता है जैसे लिचेंस कहते हैं. A chlorophyll containing partner, which is an alga. इसका एक partner होता है, इसके पास chlorophyll present रहता है, जिसे alga बोलते हैं. And a fungus live together. और एक fungus जो कि साथ में रहते हैं. The fungus provides shelter, water and minerals for the alga. जो fungus है, वो shelter और water, minerals provide कराता है alga को. And in return, alga provides उसे food कराता है. ठीक है? Which is prepared by photosynthesis, जो कि photosynthesis द्वारा प्रिपेयर होता है. ये भी बताया था ना एल्गे अपने फूड जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्रिपेयर करती है. हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. जो न्यूट्रिएंट्स है उसको किस तरीके से रिप्लेनिश करते हैं सॉइल. हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड. आप लोगों ने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं ठीक है वो खाद और फर्टिलाइजर्स अपने फील्ड में स्प्रे करते रहते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो जाए. और gardeners using them in lawns or in pots. Do you know why they are added to the soil? क्या आपको पता है ये सारी चीजें एडिट क्यों करते हैं सॉइल में? You learned that plant absorb mineral nutrients from the soil. आप लोगों ने अभी तक सीखा है कि जो प्लांट है वो सॉइल से मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. So their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manures containing plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. जो भी फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स का जो भी फार्मर्स लोग यूज करते हैं ना ठीक है उनमें से सॉइल को क्या मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. नाइट्रोजन मिल जाती है, पोटेशियम, फास्फोरस, इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं कुछ ठीक है जिससे ये सारे सॉइल में पहुंच गए. तो सॉइल से कहाँ पहुंच जाएंगे प्लांट में पहुंच जाएंगे. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनवेज द सॉइल. ये हम लगातार ऐड करते रहते हैं. जरूरी होता है, इन्हें चाहिए होता है प्लांट्स को, तो इसलिए हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर लगातार यूज करते रहते हैं. We can grow plants and keep them healthy if we can find out the nutrient requirement of plant. अगर plant की सारी requirement हो चुकी है ठीक है उसने soil से सब कुछ ले लिया है तो एक अच्छी तरीके से हमें healthy plant grow हो जाता है हमारा ठीक है. Usually crops require a lot of nitrogen. जो भी crops होती है उन्हें ज़्यादातर nitrogen की जरूरत पड़ती है क्योंकि protein बनाने के लिए ठीक है. After the harvest the soil becomes
डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब भी हार्वेस्ट फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, तो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। लेकिन उसके कारण क्या है, जो नाइट्रोजन गैस होती है लेकिन हवा में प्रेजेंट रहती है। प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट इसको यूज नहीं करते, प्लांट किसको यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट रहती है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म। प्लांट को किस फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। द बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसे सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना पाता, ठीक है। द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मून ग्रीन एंड अदर लेगुमस एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। जितनी भी हमारे दालें होती हैं, जैसे चने का हो गया, ठीक है, मटर का पौधा हो गया, मूंग के दाने हो गए, ठीक है, जो भी हमारी दाल की फसल होती है ना, उन सबकी जो रूट्स होती है उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है और ये जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस जितने भी रहते हैं, ठीक है, आर ऑब्टेंड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट। पल्सेस को हमने किस कैटेगरी में डाल दिया, लेगुमिनस प्लांट में डाल दिया, ठीक है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और बदले में जो प्लांट होता है वो क्या काम करता है, कि जो हमारा बैक्टीरिया है ना उसको शेल्टर यानी रहने के लिए जगह देता है। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाता है, क्योंकि बताया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या क्या होती है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है फार्मर्स के लिए, ठीक है। दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट आर ग्रोइंग। क्या होता है, जब भी लेगुमिनस प्लांट ग्रो करता है तो उसमें इन्हें फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया होता है राइजोबियम वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूबल फॉर्म में और लेगुमिनस प्लांट में पहुंचा देता है, ठीक है। इसलिए इसमें हमें मैनुअल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने बच्चों इस चैप्टर में जान लिया है, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। आपने देखा है कि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसे प्लांट होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ प्लांट का स्कटा होगा, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें अदर नोड्स होते हैं न्यूट्रिशन का, लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटरोट्रॉप्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेटरोट्रॉप यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये पढ़ेंगे हम सेकेंड चैप्टर में। अभी ये हमारा चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो कि हमने पूरा अच्छी तरीके से फिनिश कर दिया, ठीक है। अब जो इसके कुछ हमने कीवर्ड्स निकाले हैं आपके लिए, कुछ ऐसी डेफिनेशन है छोटी छोटी, इसमें भी ये दिए हुए हैं, हमने भी कुछ डेफिनेशन निकाले हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को आराम से नोट करो। और ये इसकी एक एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको भी मिल जाएंगे। ये पूरी इसकी एक्सरसाइज है, प्रूफ हाउस वगैरह सब कुछ है, ठीक है। चूज द करेक्ट, आप लोगों को फेयर कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फेयर कॉपी में वन वर्ड टाइप का करना है, फिलअप करना है, क्वेश्चन शेयर करना है और मैचिंग, ठीक है। चूज द करेक्ट फिर बुक में आप लोग टिक कर सकते हैं, हाँ। तो ये तो हमारी एक्सरसाइज हो गई, अब जरा एक्सरसाइज का अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो ये चीज आ चुकी है बेटा, ये आ गया है। देखो ये कुछ हमने कीवर्ड्स निकालने के, न्यूट्रिशन क्या होता है, एक एक लाइन की डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताई थी अभी हमने, ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, स्टोमेटा वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। हेटरोट्रॉफ, पैरासिटिक, हाँ, पार्शियल पैरासाइट्स, टोटल पैरासाइट्स, सेप्रोफाइटिक, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में नोट करनी है, हेडिंग डाल के की पॉइंट्स हैं ये सारे, ठीक है। ये लाइन से वीडियो को पॉज करके या फिर जैसा भी आपको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिर कॉपी में आनी है चैप्टर वन डाल के, ठीक है। देन उसके बाद ये सारे डेफिनेशन कीवर्ड्स नोट करने के बाद, देन उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, ठीक है। ये दिया है क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, यानी कि ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आंसर क्या, ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क, यानी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, अपनी बॉडी को बिल्ड करना है इसीलिए, और रिपेयर डैमेज इन द बॉडी, बॉडी में जो भी कमी आ गई उसे दूर करने के लिए, और जो भी आपके बॉडी के फंक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए, इसीलिए हमें खाना खाना चाहिए, खाने की जरूरत इसलिए पड़ती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट, ये दिया पैरासाइट और
पाई डॉट एफ रूट ऑफ एक ही चीज है, ठीक है, क्या डिस्टेंस होता है ये दिया हुआ है। द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोस ऑन द बॉडी ऑफ अंदर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ग्रो करे, ठीक है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। और जो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से लोगों ने उसे सेपरेट ऑफ कहते हैं। दे डायरेक्टली फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन देयर न्यूट्रिशन, ये डायरेक्ट खाना खाते हैं अपना, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, डेड एंड डिकिंग मटेरियल को खाते हैं, इस तरीके से ही दिए हुए हैं। इसके एग्जाम्पल है कस्कटा, ऑर्चिड, पैरासाइट, ठीक है, और सेपरेट ऑफ के फंगाई, सम बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लूप्स, आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि लूप्स में स्टार्च है कि नहीं है। तो इसमें हमने स्टेप के थ्रू आपको बता दिया है, आप जैसे ही स्कूल क्लासेस लगते हैं ऑफलाइन तो अपन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि केमिकल्स वगैरह सारे प्रेजेंस हैं इसके, ठीक है बच्चा, लीस्ट में स्टार्च कैसे होता है ना, ये सारी प्रेजेंस देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, ये दिया है कि स्टेप कौन कौन से, अ फ्रेश लीव इज टेकन, एक बढ़िया से अच्छी सी लीफ लो, ठीक है, द लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर, उसे पानी में बॉइल कर लो फॉर 3 मिनट्स तक, टू किल द सेल्स इन द लीफ, इससे क्या उसके जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो खत्म हो जाए, जो भी सेल्स मर जाए उसमें। स्टेप नंबर थर्ड, नॉट डिप दिस लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन में इस लीफ को डुबो, द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस इनटू द ब्लू ब्लैक कलर व्हेन आयोडीन इज एडेड, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा जब भी आयोडीन इसमें ऐड करेंगे, तो ये प्रेजेंस शो करेगा स्टार्च। नंबर फोर्थ, गिव द वेरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस हमने आपको पूरी प्रोसेस समझाई है, ये इसकी रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, ये मतलब इसका इसके थ्रू बताना है कि जो प्लांट होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से फूड के सोर्स होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक पूरी साइकिल शो हुई है, ये प्लांट है, इसको किसने खाया, एक टिड्डे ने खाया, ठीक है, टिड्डे को किसने खाया, एक मेंढक ने, मेंढक को एक स्नेक ने, स्नेक को किसने खाया, एक ईगल ने, तो पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ये आप लोग बना नहीं सकते हो तो इनके नाम लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स आ गए बच्चों, ये जो डार्क में है ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है, जैसे फर्स्ट का आंसर ऑटोट्रॉफ स्टार्च क्लोरोफिल, लास्ट का कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये सारे। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग, तो इनका ये सामने आंसर लिखा हुआ है, फर्स्ट का इंसेक्टिवरस प्लांट स्टोमेटा लगे हुए, उसके बाद ये टिक द करेंट, टिक द करेंट में जो डार्क में है वो आंसर है इसका, जैसे अमरविल इज एन एग्जांपल ऑफ, अमरविल किसका एग्जांपल है, पैरासाइट का, ओके, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, ये भी हमें पिक्चर प्लांट, क्लियर, ये आपकी मैचिंग। हाँ, एक कॉलम में हमें ये क्वेश्चन दिया है और देन उसके बाद इसका ये दूसरा कॉलम बनाया वो सॉल्यूशन, ठीक है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल कहाँ, लीफ में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, अमरविल पैरासाइट है, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स है, इंसेक्ट पिचर प्लांट है, ये इसके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, दो कॉलम है, एक में क्वेश्चन एक में आंसर, ठीक है, ये फिर ट्रू फॉल्स है, सामने इनके आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 में चूका करेक्ट है, ये जो डार्क में है वो इसका आंसर दिया है। तो बच्चों ये हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर हो गया है खत्म, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, फिर मिलते हैं सेकेंड चैप्टर के साथ, इसको पूरा नोट करना अच्छे से बिल्कुल, ठीक है, जैसा फेयर कॉपी बनाते हो आप लोग, तो चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं, थैंक यू।